डायोड का सबसे अच्छा यूज कौन सा है? एज रेक्टिफायर, जिसमें वो मोस्टली यूज होता है। उसके बाद डायोड के कुछ यूज लाइट के साथ जंक्शन करके होते हैं। डायोड में करंट देकर हम उससे लाइट निकाल सकते हैं और डायोड में लाइट डालकर हम उससे करंट बना सकते हैं। तो इस पर्पस के लिए भी डायोड बहुत यूज होता है, कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। दिस इज डन विद हेल्प ऑफ डायोड एंड दिस हैज गॉट मैक्सिमम यूज नाउ। सच डिवाइसेस आर नोन एज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो दीज ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी कैन हैव थ्री कैटेगरीज। वन इज फोटो डायोड। Photodiode, this is to sense light. Light है या नहीं है उसको ये sense करेगा। Second, LED, light emitting diode. Light emitting. By the name we can make it out that it will give out the light. So electrical energy to light. And third device we will study is the most famous device is solar cell. Solar cell converts light energy to electrical energy. Light to electrical energy. Okay, so we will start with photodiode. Okay, what we will study in the diodes is like you studied in the Zener diode, we must know the concentration and the polarity, how it is used, whether it is forward biased or reverse biased. So I have made one photodiode here. This is a diode. Okay, it has got a normal energy gap, but we fit it in the reverse bias. Reverse bias, P side is connected to negative and N side is connected to positive. So N side to positive, P side to negative, this makes it reverse biased. This is PN junction. PN junction always having an electric field in it. N side is having positive and P side the wall become negative and there is an electric field in this direction. Okay, now the photons of light are allowed to fall on it. When the electrons are falling on it, electron is having energy and that energy is equal to h nu. ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था फोटोन के इंट्रोडक्शन के लिए। तो यहां पर जब फोटोन इस पर आएंगे स्ट्राइक करेंगे तो इसमें वो वाले एटम जो कंबाइंड हैं, मींस जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन नहीं बने हैं, वो वाले एटम पर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, फिर से सुनिए, ये एक डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर के अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो कौन है? एटम्स हैं, वो एटम जिनके पास ना होल है और ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि सब रिकम्बाइन हो चुके। यहां पर जब ये आकर फोटोन स्ट्राइक करता है तो उस एटम को जो ऑलरेडी रिकम्बाइन हो चुका है उस पर जब वो स्ट्राइक करता है उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो ये एटम को इसने स्ट्राइक किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और ये क्या बन जाएगा? होल। सो वन होल एंड वन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड ड्यू टू दिस वन फोटोन। ओके, सो टू थिंग्स आर क्रिएटेड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स। नाउ देयर इज ऑलरेडी एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। This is why we need a diode because there is an electric field here. जैसे यहां इलेक्ट्रॉन बनता है
इलेक्ट्रॉन किस तरफ पुश होगा, पॉजिटिव साइड की तरफ, उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेता है, और होल किधर जाएगा, नेगेटिव साइड की तरफ, तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इन केस दे डू नॉट सेपरेट व्हाट विल हैपन, सी फोटोन स्ट्राइक, ये दोनों ऐसे सेपरेट हुए, उसके बाद माइनस इज अट्रैक्टेड बाय प्लस होल और ये फिर से रिकम्बाइन हो गए, रिकम्बाइन होंगे एनर्जी रेडिएट कर देंगे जो इनको मिली थी, व्हाट वी वांट कि वो रिकम्बाइन मत हो। सो रिकम्बाइन मत हो तो हम एक डायोड यूज करते हैं, द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म्ड हियर इट इज पुल्ड बाय दिस पॉजिटिव प्लेट, नॉट प्लेट, दिस पॉजिटिव रीजन, इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर चला जाएगा और प्लस होल इधर चला जाएगा एंड दे आर सेपरेटेड ड्यू टू द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ठीक है, ये हमने उनको सेपरेट कर लिया। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेपरेट होके यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के प्लस से, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरा यहां से चल के यहां आ जाता है ऐसे। सो इलेक्ट्रॉन मूव्स लाइक दिस एंड होल मूव्स लाइक दिस एंड देयर इज ए करंट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें what is the speciality of diode, what is the use of diode, when they are separated, if it is not a diode then they will recombine। to diode ne kya kaam kiya, diode ki depletion layer ke andar jo electric field bana hai, is electric field ne ye kaam kiya ki isne jo unko temporary separate kiya ek instant ke liye, uske baad unko recombine nahi hone diya, jaise hi ye separate hote hain electron ko isne khinch liya aur plus ko usne khinch liya, सेपरेट हो गए, सेपरेट होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इन इलेक्ट्रॉन्स को इसने इसमें फ्लो कराना शुरू कर दिया, पॉजिटिव इधर आ गए होल्स इधर से एंड दिस बिकम्स ए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है एंड वी कैन मेक ए रीडिंग हियर। ये हमको शो करता है, दिस इज एम्पियर मीटर, दिस इज माइक्रो एम्पियर मीटर, मिली एम्पियर मीटर, वट एवर इट इज, सो इट शोज दैट सम करंट इज पासिंग थ्रू इट, और जैसे ही यहां हमको करंट दिखती है हम क्या समझ जाते हैं कि यहां से लाइट आई है, क्योंकि पहले जब लाइट नहीं आ रही थी इसके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं था और ये करंट जीरो थी। जैसे ही ये लाइट आती है यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया, ये सर्किट इज कंप्लीट एंड वी सी द करंट। अगर लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आने बंद हो जाएंगे, दिस डिप्लीशन लेयर एक्ट एज ए बैरियर, वोल्टेज बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, और इसमें से करंट नहीं हो फ्लो हो पाती एंड वी डोंट सी एनी करंट। समझ आया, तो ये करंट किसके कारण फ्लो हुई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां से आए यहां पे, बिकॉज ऑफ द फोटॉन्स विच आर सेंट बाय द लाइट। सो मोमेंट द लाइट इज ऑफ there are no photons, there are no electrons released, there is no charge particle in this depletion layer, there is no current and this will show zero. So what does it indicate, the current, the current indicates that there is a presence of light. theek hai, so this is photodiode. ab yahan par iske इन दोनों पोल्स में देयर इज सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस वी। ओके, यहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कुछ देते हैं, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड एंड इलेक्ट्रॉन गोज इन दिस साइड, द करंट फ्लोस। ओके, अब ये करंट कितनी होती है, द आंसर इज वी आर यूजिंग रिवर्स बायस, द करंट गोज अकॉर्डिंग टू दिस। पहले थोड़ी सी करंट इंक्रीज होगी और उसके बाद सैचुरेट हो जाएगी, दिस इज ए कांस्टेंट। अब अगर हम यहां पर 1 वोल्ट कर दें, 2 वोल्ट कर दें, 3 वोल्ट कर दें, देयर इज नो चेंज इन करंट। ये सैचुरेशन करंट किसके लिए बनती है, द करंट इज सैचुरेटेड बिकॉज द ऑल इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द यूज,
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें जितने आ सकते थे सब इलेक्ट्रॉन इसमें यूज हो रहे हैं और वो करंट सैचुरेट हो गई. इनिशियली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज वेयर 1, 2, 10, 20, 100. ये इसमें हम यूज कर रहे हैं 1, 2, 10, 100. इसने यहां से फिर से सुनिए एग्जाम्पल के साथ, यहां से लाइट आई, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. 100 यहां पर हमने वोल्टेज दिया 0.1 वोल्ट, यहां से 10 इलेक्ट्रॉन आ गए. 10 फिर हमने इसके वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया 0.5 वोल्ट, अब यहां से 50 आ गए. फिर हमने इसको कर दिया 1 वोल्ट, यहां से 100 आ गए. फिर हमने इसको किया 2 वोल्ट, तब भी 100, 3 वोल्ट तब भी 100. क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन बने ही 100 हैं. इससे कितने इलेक्ट्रॉन बने थे? 100. जैसे जैसे इसकी वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग. और यहां जाकर करंट कितनी बन गई है? ये करंट बन गई, मान लीजिए 100 मिली एम्पियर. पूरे के पूरे 100 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब क्या होगा? नाउ इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज एंड द करंट विल रिमेन 100 100. ये लेवल आ गया करंट का 100 100 100 100 100. दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट. ठीक है, तो इस तरह से ये सैचुरेशन करंट बनी. क्या हम इस सैचुरेशन करंट को बढ़ा सकते हैं? आंसर है यस. यहां पर एक लाइट और जला दीजिए. अगर हम यहां एक लाइट और जला देंगे और ज्यादा फोटोन आएंगे तो हमारा जो टोटल स्टॉक 100 का रिलीज हो रहा था अब 200 का रिलीज होगा. फिर से हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू किया, वोल्टेज को 0.1, 0.2, 0.3. अब करंट कहां तक जाएगी? 200. तो अब हमने इंक्रीज किया सेकंड केस में और ये करंट गई 200. लेकिन 200 जाने के बाद अब हम वोल्टेज को 1, 2, 3, 4 करते हैं, इट ऑलवेज रिमेन 200 200 200, सैचुरेशन करंट. सो यू अंडरस्टैंड नाउ? ओके, तो मैंने क्या किया, इसकी वोल्टेज को फिक्स कर दिया 4 वोल्ट. ये 4 वोल्ट यहां पर. अब जब इंटेंसिटी 1 है तो करंट कितनी दिखाएगी? I1. जब इंटेंसिटी 2 है तो करंट कितनी दिखाएगी? I2. ये वाला पोर्शन तो गया ऑलरेडी, मैं कितना रख रहा हूं? 4 वोल्ट. तो करंट अब ऐसे ऐसे चेंज होती है. उससे मुझे क्या पता लगेगा कि लाइट कम है, लाइट और ज्यादा आ रही है, लाइट उससे भी ज्यादा आ रही है, या लाइट बंद हो गई है? समझ आया? तो ऑलरेडी हम अपना पोटेंशियल कहां रखते हैं? इन द सैचुरेशन रेंज. अब यहां से जैसे लाइट ऐसे हुई, हमारी करंट भी ऐसे होगी. ये कम करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, तो ये करंट भी ज्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी, फिर इतनी हो जाएगी. ये करंट कम ज्यादा हो रही है. क्यों कम ज्यादा हो रही है? क्योंकि लाइट कम ज्यादा हो रही है. सो द वेरिएशन ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द सैचुरेशन करंट वेरिएशन. सैचुरेटेड करंट के वेरिएशन लाइट पर, लाइट के वेरिएशन से इफेक्ट करते हैं. तो इसका यह मतलब है जैसी लाइट आएगी वैसे करंट चेंज होगी. अब यहां पर हम अपनी कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं जो डिवाइस करंट से ऑपरेट होती है. करंट से कौन कौन सी डिवाइस ऑपरेट होती हैं? हमारा स्पीकर चलता है, स्पीकर में साउंड आता है, दैट इज ड्यू टू करंट. कंप्यूटर में अगर लाइट का, सॉरी, कंप्यूटर में करंट का, वोल्टेज का सिग्नल जाएगा, दैट विल मेक ए सिग्नल. ओके, तो कंप्यूटर को हम इससे डाटा का सिग्नल दे सकते हैं. इसी तरह से हम इससे फोटो क्रिएट कर सकते हैं, डाटा क्रिएट कर सकते हैं, साउंड क्रिएट कर सकते हैं, और इससे स्विच ऑपरेट कर सकते हैं. हमारे पास एक स्विच है, उसमें जब करंट जाएगी तो वो स्विच ऑन हो जाएगा, फिर करंट जाएगी तो स्विच ऑफ हो जाएगा, जैसे रिमोट. इस तरह से हम कोई भी डिवाइस यहां पर लगा सकते हैं और उसका एंड यूज कुछ भी बना सकते हैं. तो ये जो हम एंड यूज बनाते हैं, ये एंड यूज कौन कौन से होते हैं? तो पहले इसका फंक्शन थोड़ा, दो लाइन फंक्शन की लिख लीजिए. व्हाट वी आर डूइंग इज फोटोडायोड.
photodiode. A diode is used cell or battery. और ये हम पहले लिख चुके हैं, इट शुड बी रिवर्स बायस्ड. वर्क फोटोन एक्साइट एन एटम इन डिप्लीशन लेयर convert it to whole electron pair. Across depletion layer Now n-type gets an additional electron which can create a current. This is working of this light sensing device or photodiode. Okay, note ho gaya. Now, applications. एप्लीकेशंस, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं. एक एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं काउंटर्स. ये काउंटर बहुत तरह के हो सकते हैं. काउंटर के पहले एक दूसरी डिवाइस मैं आपको बताता हूँ, एंड दैट इज़ बर्गलर अलार्म. बर्गलर अलार्म, अगर हमने कहीं से, ये हमारा एक रास्ता है, इस रास्ते के इस तरफ वॉल में हमने एक लाइट एमिटिंग डायोड लगाया जो यहाँ से लाइट देता है. दिस लाइट मे बी एन इंफ्रारेड लाइट जो कि हमको आँख से नहीं दिखती, और इसके सामने हमने एक फोटो डायोड लगाया है, यहाँ पर फोटो डायोड, और यहां से हम क्या भेज रहे हैं, इंफ्रा रेड. ओके, यहां पर एक फोटोडायोड है. अगर ये जो फोटोडायोड है ये ऐसे, इसके ये दो साइड्स हैं, दो टर्मिनल हैं, ये फोटोडायोड है, इन दोनों टर्मिनल से हमने एक सर्किट कंप्लीट किया हुआ है, और इस सर्किट में एक रिले लगाया हुआ है.
इस रिले में जब करंट फ्लो होती है तो इसका प्लंजर ऐसे ऊपर उठा रहता है, और जब इसमें करंट बंद हो जाएगी इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा तो ये प्लंजर नीचे गिर जाएगा। अभी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसने इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाया है और एक रॉड है, उस रॉड को ऐसे खींच के रखा है ऊपर, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना तो ये रॉड ऐसा ऊपर चला गया और ये रॉड ऐसे इसमें पड़ा हुआ है। इसको हम प्लंजर कहेंगे क्योंकि ये प्लंज करता है, गिरता है। अगर इसमें करंट बंद हो जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ये वाली जो डिवाइस है, दिस इज नोन एज रिले। ये बहुत यूज होगी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, रिले। इस रिले में के नीचे हमने एक और सर्किट लगाया हुआ है। ये हमारा मेन सर्किट है, ज़्यादा पावरफुल सर्किट है घर के अंदर, और इस सर्किट में हमने यहाँ पर एक अलार्म लगा कर रखा है। अलार्म ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और ये इसका स्विच है। अभी इसका सर्किट ओपन है, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये अलार्म बजेगा जोर से। अब यहाँ से इंफ्रारेड यहाँ पर आ रहा है और इस इंफ्रारेड के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। अब अगर इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो ये मैग्नेट बन रहा है, और मैग्नेट बनने से ये रिले का प्लंजर ऐसे ऊपर उठा हुआ है, मैग्नेट ने उसको खींचा हुआ है, ये ऊपर उठा हुआ है, और ये सर्किट ब्रोकन है, ओपन है, तो ये अलार्म नहीं बजता है। यहाँ से अगर एक चोर आता है या कोई भी आदमी आता है, जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है तो ये वाली लाइट इधर नहीं आती। अगर ये लाइट इधर नहीं आएगी तो लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई। लाइट की इंटेंसिटी ज़ीरो होने से इसकी करंट का क्या होगा, करंट भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर इसकी करंट ज़ीरो हो गई तो इसके मैग्नेटिज्म का क्या होगा, मैग्नेटिज्म विल ऑल्सो बी ज़ीरो। और अगर ये मैग्नेटिक नहीं रहा तो ये इस आयरन के प्लंजर को उठा नहीं पाएगा, ये गिर जाएगा। जैसे ही ये आयरन का प्लंजर नीचे गिरेगा, इसके नीचे ये कॉपर की लेयर है, ये नीचे गिरता है और इन दोनों को जोड़ देता है। ये दोनों पे जुड़ा, जैसे ही ये जुड़ेगा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा, अलार्म जोर से बचने लगेगा। तो जैसे ही यहां से कोई आदमी ऐसे पार होता है, अलार्म बच जाता है। तो इसको हम ऐसी डिवाइस, ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां हमको जरूरत है, जैसे अपने मेन गेट के सामने। तो कोई भी आदमी एंटर करेगा, ये बजाएगा, या हमको पता है पीछे वॉल से कोई आदमी चढ़ सकता है तो वॉल के पीछे एक तरफ से लेके एक तरफ हम इंफ्रारेड की डिवाइस लगा देंगे, और उसके सामने एक फोटोडायोड लगा देंगे। पूरी दीवार से कोई भी आदमी ऐसे क्रॉस करेगा, उस रे को काटते हुए क्रॉस करेगा, जहां लाइट बंद होगी ये अलार्म बचेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बर्गलर अलार्म। ये जो डिवाइस है, इसमें हम मेन प्रिंसिपल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट की रे, लाइट की बीम जब भी ऑब्स्ट्रक्ट होगी, इधर की करंट बंद होगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन खत्म होगा, फिर करंट चालू होगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, फिर करंट बंद होगी, फिर ऑब्स्ट्रक्शन गया, फिर करंट चालू होगी। इस चीज से हम काउंटर बनाते हैं। काउंटर कैसे, हमने नोट की एक गड्डी ली, उसको ऐसा साइड से देखा, ये ऐसे नोट रखे हुए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे दिखेंगे साइड से। इसको हमने एक मशीन में डाला, उस मशीन में ऊपर में ये इंफ्रारेड है और नीचे में सेंसर है ऐसे, और उसमें लगातार करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पर हमने एक कंप्यूटराइज्ड काउंटर लगाया हुआ है। जब भी एक बार नो करंट और यस करंट होगी तो वो काउंट करेगा और लिखेगा वन। दूसरी बार फिर से करंट ब्रेक डाउन हुई, फिर करंट आई, उसने लिख दिया टू, फिर करंट गई, फिर करंट आई, थ्री, ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर हमने एक लाइट लगाई, उसके नीचे एक सेंसर लगाया, लाइट फ्लो हो रही है और इधर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब हमने इसके नीचे ले जाके ये नोट की गड्डी रखी और इसको ऐसे करके यहाँ से इस तरह से चलाया।
लाइक दिस। अगर हम इसको ऐसे चलाते हैं तो यहाँ से लाइट जा रही है, देखिए अभी लाइट जा रही है। अब ये एक पन्ना गया, जैसे ही ये पन्ना उसमें से ऐसे पार होगा, लाइट एक बार बंद होगी और इधर चला गया, फिर चालू हो गई। उसके बाद ये दूसरा पन्ना गया, तीसरा गया, तो जो भी पन्ना ऐसे जाएगा ऊपर से एक बार लाइट बंद होगी और फिर चालू हो जाएगी। ये समझ में आया आपको? इधर से लाइट ऐसे जा रही है, ये ऐसा मुड़ के गया, लाइट बंद हुई, फिर लाइट चालू हुई। और जैसे ही एक बार लाइट बंद और चालू होती है, हमारा ये काउंटर क्या करता है कंप्यूटर का, इट विल राइट वन, दूसरा पन्ना गया टू, इस तरह से उसने काउंट करना शुरू किया, 98 हो गया और वो ख़त्म हो गया, इट विल राइट 98। तो कैशियर को पता लग जाता है कि हम जो नोट की गड्डी लाए हैं उसमें कितने नोट हैं, 98। तो 100 होंगे, इट विल काउंट 100, जितने भी नोट होंगे इस तरह से वो काउंट करेगा। सो दिस इज ए काउंटर। ये बेसिक प्रिंसिपल हम किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। जैसे हमको बार बार डिमांड आती है कि प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ हो जाती है, प्लेटफॉर्म को बड़ा करिए। अब मैंने मैनेजर को बोला, रेलवे मैनेजर को, कि बड़ा करिए, तो मेरा कहना वो क्यों मानेगा? वो काउंट करके देखेगा, लेकिन दिन भर बैठ के काउंट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसने ये डिवाइस लगा दी मेन गेट पे, मेन गेट पे ये डिवाइस ऐसी, या ऐसा गेट है, यहाँ से हम ऐसे पार होते हैं, यहाँ पर इसने ये डिवाइस लगा दी। जितनी बार जितने आदमी यहाँ से जाएंगे, हर आदमी एक एक बार उस रे को काट के जाएगा, देर विल बी ए ब्रेक एंड देर विल बी ए मेक ऑफ द सर्किट, और काउंटर चलता जाएगा। इस तरह से दिन भर में कितने लोग प्लेटफॉर्म पे गए, दैट काउंटिंग कम्स टू देम एंड देन दे डिसाइड देयर पॉलिसी। इसी तरह से किसी रोड को चौड़ा करना है, वी वॉन्ट टू नो कि वहाँ से दिन भर में कितने व्हीकल जाते हैं, तो एक हफ्ते के लिए वहाँ पर काउंटर लगा देते हैं। सो वी कम टू नो कि डेली एवरेज कितने व्हीकल्स वहाँ से जाते हैं, दैट डिसाइड अवर पॉलिसी। इस तरह से इसको हम यूज करेंगे एंड देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस वी कैन यूज। सो बर्गलर अलार्म, काउंटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, बैंक, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, सब जगह काउंटर्स हम यूज करते हैं। इसी तरह से हम इसको यूज करेंगे फिल्म्स, फिल्म्स में इसका बहुत यूज होता है। फिल्म में आपने देखा होगा, अभी तो हमने सब डिजिटल शुरू कर दिया, पहले हमारी फिल्में ऐसी हुआ करती थी, ये मशीन में पकड़ने के लिए नॉच बने रहते हैं, इसका और कोई टेक्निकल मीनिंग नहीं है, मशीन के गियर्स इसमें फंसते हैं और ये फिल्म आगे बढ़ते चले जाती है। अच्छा, इस फिल्म में यहाँ साइड में एक यहाँ पर ये जगह रहती है जहाँ पर फिल्म नहीं होती, ये एक ब्लैंक ट्रांसपेरेंट पट्टी होती है। इस ब्लैंक ट्रांसपेरेंट पट्टी में यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनी होती, ये लाइन जब ये मशीन में से जाएगी, ठीक इस लाइन के ऊपर हम एक इंफ्रारेड लगा देंगे जो लाइट एमिट करेगा, और इसके नीचे एक सेंसर लगा देंगे विच इज ए फोटो डायोड। जैसे जैसे ये लाइन, ब्लैक लाइन, उस वहां से जाती है, इधर से आने वाली लाइट को कम या ज्यादा करती है। अगर लाइट कम या ज्यादा होगी, लाइट कम या ज्यादा होगी तो करंट भी क्या हो जाएगी, करंट भी कम या ज्यादा होगी। इस तरह से इसका जो सर्किट रहता है, इसके साथ जो सर्किट हमने जोड़ा हुआ है, उस सर्किट में हमने एक स्पीकर लगाया हुआ है ये, और इस सर्किट को यहां पर ऐसा बना दिया। अब यहां से जो करंट कम या ज्यादा होती है वो यहां वेरिएशन होते हैं इन दोनों में, और इसकी करंट कम या ज्यादा होती है और स्पीकर उसको साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो फिल्मों में हम जो डायलॉग सुनते हैं सिनेमा हॉल में, जहां की इस तरह की सेल्यूलॉइड फिल्म्स चलती हैं, वहां पर साउंड की रिकॉर्डिंग यहां होती है, यहां पर वीडियो की रिकॉर्डिंग होती है,
और यहां पर साउंड की रिकॉर्डिंग होती है। साउंड की रिकॉर्डिंग एक ब्लैक लाइन के फॉर्म में होती है और ब्लैक लाइन क्या करती है, लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करती है। ये लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करेगी, उससे इसके सर्किट में करंट कम या ज्यादा होगी और ये सर्किट की जो करंट है ये साउंड में कन्वर्ट होगी। सो दिस इज साउंड ट्रैक। फिल्म्स के साउंड ट्रैक बनते हैं, फिल्म्स साउंड ट्रैक, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज होती है। एंड देयर आर मेनी अदर प्लेसेस वेयर वी यूज दिस टेक्नोलॉजी। सो फोटो डायोड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके बिना आजकल हम लोग कुछ सोच नहीं सकते, इतनी चीजें हम उसको यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज आप घर जाते ही यूज करेंगे, व्हाट इज दैट? यस, रिमोट कंट्रोल में ये जो रिमोट कंट्रोल है, यहां पर ये एक एलईडी लगा हुआ है जहां से लाइट निकलेगी और सामने में एक फोटो डायोड लगा है, तो ये उस फोटो डायोड पे जाएगी और उसमें करंट फ्लो कराएगी, करंट फ्लो कराएगी तो अंदर का सर्किट स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। और आजकल जो हमारे सर्किट होते हैं वो ऐसे प्लंजर वाले सर्किट भी नहीं होते, इतनी करंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर ए वेरी स्मॉल करंट वी हैव ए ट्रांजिस्टराइड स्विच, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर हाउ वी यूज इट एज ए स्विच। वो सॉलिड स्टेट स्विच होते हैं, उससे हम ऑन या ऑफ कर लेते हैं। तो रिमोट में ये इसका इस तरह से फोटो डायोड का यूज होता है। किस साइड में होगा फोटो डायोड? रिसीविंग साइड में, जहां सर्किट लगा हुआ है। तो इतनी चीजों में हम इसको यूज करते हैं। सो फिर से ये क्या करता है, ऑन या ऑफ करता है, और दूसरा कम या ज्यादा करंट हो तो उस करंट के अनुसार वो सर्किट को ऑपरेट करता है। जितनी लाइट हो उतनी वो करंट को बनाएगा, कम लाइट है तो कम करंट, ज्यादा लाइट है तो ज्यादा करंट। सो दिस इज वन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। सो नाउ वी गो फॉर द सेकंड डिवाइस एंड दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। अब उसे देखिए, एलईडी इज ए डिवाइस इन विच वी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। Here also we use a PN junction in reverse bias. Okay, light emitting diode, this is again a PN junction in which we convert electric current to light energy. हम करंट देंगे और लाइट जलेगी, जैसा किसी भी बल्ब में होता है वैसा ही इसमें भी होगा। हाँ, इसमें हमको क्या तीन चीजें ध्यान रखनी है, एनर्जी गैप शुड बी इक्वल और मोर देन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी गैप होना चाहिए। ये एनर्जी गैप के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि ये इस तरह का होता है, इसका डायग्राम, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड दिस इज एनर्जी गैप। एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देंगे तो वो कंडक्शन में चला जाएगा। इसी को उल्टा कर दो, अगर एक कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आएगा तो हमको एनर्जी देगा, कितनी एनर्जी देगा, जो कि एनर्जी बैंड के बराबर होती है। तो ये वाला पॉइंट है जो हम स्ट्रेस करना चाहते हैं कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में ले आए, यानी जो फ्री घूम रहा था, करंट बना रहा था, उसको हम एक होल के साथ रिकम्बाइन कर दें और वो एटम में आ जाए, वैलेंसी का काम करने लगे, तो उसका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और वो अपनी एनर्जी वापस करेगा। कितनी एनर्जी वापस करेगा? एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी वापस करेगा,
और वो जो वापस करता है एनर्जी किस फॉर्म में करता है, लाइट के फॉर्म में करता है, यही लाइट हमको मिलती है। तो फिर से इसमें हमारी लाइट का सोर्स क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विच इज इन द कंडक्शन बैंड विच इज हेल्पिंग द करेंट टू फ्लो, उसको हम किसके साथ कंबाइन करा देंगे, एक होल के साथ कंबाइन करा देंगे और वो क्या बन जाएगा, एटम। फिर वो क्या काम करेगा, वैलेंसी का काम करेगा और उसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो एक्स्ट्रा एनर्जी वो हमको दे देगा, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। और वो जो लाइट निकलेगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी गैप के बराबर। अब अगर इतनी एनर्जी की लाइट निकलती है, लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इतनी एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, लेकिन इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को कौन डिसाइड करता है, तो आंसर है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, एनर्जी डिवाइडेड बाय एच। अब हमको पता है कि जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है, अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो वो लाइट हमको दिखेगी नहीं, जैसे इंफ्रारेड, जैसे हीट वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं पर हमको दिखती नहीं है, क्यों, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनके पास एनर्जी कम होती है। तो हमको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर हमको ये फ्रीक्वेंसी उतनी हाई चाहिए तो ईजी भी हाई होना चाहिए। हमने देखा कि अगर ये ईजी 2.4 या इससे ज्यादा होता है तभी जब ये लाइट में कन्वर्ट होगा, यानी तब जब वो हमको लाइट मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी जो विजिबल लाइट की होगी। अगर ये एनर्जी इससे कम हो गई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेंगी, रिकम्बाइन होने से वेव निकलेंगी पर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जो हमारी विजिबल लाइट होती है उससे कम। तो कौन सी बनेंगी, इंफ्रारेड, जो कि हमको नहीं दिखती, और कौन सी बनेंगी, रेडियो वेव्स, हीट वेव्स, ऐसा बनेंगी लेकिन हमको लाइट नहीं दिखेगी। इसलिए हमको ऐसा पीएन जंक्शन लेना पड़ता है जिसका एनर्जी गैप कितना हो, मिनिमम 2.4। अगर हमने सिलिकॉन लिया, जर्मेनियम लिया, जिनका एनर्जी गैप बहुत कम है, जिनका एनर्जी गैप मान लीजिए 1.7 है, 0.6 ऐसा है, तो वो कितनी एनर्जी देंगे, 1.7, और 1.7 एनर्जी से जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो फ्रीक्वेंसी लाइट से कम होती है। तो हम क्या देखते हैं कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है पर कुछ चमक नहीं रहा है, क्योंकि जो वेव निकल रही है वो हमको दिखती नहीं है, इसलिए हम सिलिकॉन यूज नहीं कर सकते। तो फिर से व्हाई वी कैन नॉट यूज सिलिकॉन एज लाइट एमिटिंग डायोड, आंसर बिकॉज इट्स एनर्जी गैप इज मच लेस देन 2 एंड विच एवर फ्रीक्वेंसी इज फॉर्म दैट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इट विल नॉट शाइन, इट विल नॉट गिव द लाइट, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज सिलिकॉन और जर्मेनियम। समझ में आया, तो हमको ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि जिसका एनर्जी गैप ज्यादा हो, ठीक है, ओके। अब प्रोसेस आपको समझ में आ रही है, बेसिकली हमारा जॉब क्या है, इलेक्ट्रॉन को होल के साथ मिलाना। अब इलेक्ट्रॉन को होल के साथ मिलाना ऐसा है कि एक आदमी जा रहा है और हमने सड़क पर गड्ढे किए हुए हैं कि जाओ भाई उस होल में गिर जाओ, वो देखता है तो नहीं गिरता है, तो बताइए हम कैसे गिरा सकते हैं उसको, तो आंसर ये है कि हम भीड़ को बहुत बढ़ा देते, भीड़ बहुत बढ़ा देते, इतनी ज्यादा भीड़ होगी और हम उसकी स्पीड को बहुत बढ़ा देते कि आपको यहां से वहां 5 सेकंड में जाना है और 500 लोगों को जाना है, ऐसा हमने कर दिया तो सब इतनी स्पीड से जाएंगे और बहुत सारे लोग जाएंगे तो चांस क्या है, हाँ गड्ढे में गिरेंगे, ठीक है, ये समझ में आता है, ओके। यही चीज हम यहां करते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए
हम एक ऐसा पीएन जंक्शन यूज करते हैं जिसका कंसंट्रेशन हाई होता है। अगर उसका कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, इसके पास पी होल बहुत ज्यादा है, क्यों? कंसंट्रेशन हाई है। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, तो भीड़ बढ़ा दी हमने, पॉपुलेशन दोनों तरफ बहुत ज्यादा है, ये रास्ता भी बहुत स्टीप कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है, अब हमको धक्का मारना है। तो क्या करते हैं, ये बैटरी लगाते हैं और बैटरी को स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, यहां से प्लस गया और इस माइनस ने यहां से खींचा, इधर से चार्ज गए और इधर से हमने खींचा, तो वो तो पहले ही बहुत ज्यादा स्लोप बना हुआ था, तो क्या होगा, द चार्जेस विल मूव वेरी रैपिडली। अब जब ये चार्जेस खूब रैपिडली चलते हैं, द चांसेस आर देयर विल बी मेनी रिकॉम्बिनेशंस ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिकॉम्बिनेशन की रेट हम इंक्रीज कर देते हैं। अदरवाइज क्या हो रहा था, नॉर्मली आप ये मत सोचिए कोई एक्शन नहीं हो रहा था, इसके अंदर यहां पर रिकॉम्बिनेशन हो भी रहे थे और फिर से ब्रेकडाउन भी हो रहे थे, यानी सेपरेशन भी हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा था, दोनों इक्वल हो रहे थे। 100 इलेक्ट्रॉन बनते थे, सेपरेट हो जाते थे, बनते थे, सेपरेट हो जाते थे, लाइक दैट। ओके, एनर्जी हमको नहीं मिल रही थी। अभी हमने क्या किया, यहां से चार्जेस भेजे और यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ा दी, तो उससे क्या हुआ कि जितने ये इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास में, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिकम्बाइन हो गए, किस कारण से, यू अंडरस्टैंड, पॉपुलेशन ज्यादा है और स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये इसके साथ रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बाइन होने से एनर्जी देते हैं। जैसे ही रिकम्बाइन होते हैं फिर से सेपरेट नहीं हो पाते, क्यों नहीं सेपरेट हो पाते, क्योंकि यहां से और इलेक्ट्रॉन की सप्लाई आ गई। अगर यहां पर 100,000 इलेक्ट्रॉन हैं, उस 100,000 में से 10,000 कंबाइन हुए भीड़ के कारण, देयर इज ए रश, 10,000 कंबाइन हुए, तो रूटीन में क्या हो रहा था, कंबाइन होते हैं फिर सेपरेट हो जाते हैं। अब जैसे ही कंबाइंड हो जाते हैं, हमारी बैटरी 10,000 और सप्लाई कर देती है, तो यहां फिर कितनी पॉपुलेशन हो गई, 100,000, फिर 10,000 कंबाइन हुए, फिर इसने और इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिए, तो अब सिर्फ क्या काम हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन, जो ब्रेकिंग वाला काम था वो नहीं हो रहा, सेपरेशन वाला नहीं हो रहा, रिकॉम्बिनेशन। और अगर रिकॉम्बिनेशन कंटिन्यू होते जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी आउट होगी, लाइट बाहर निकलेगी, दैट इज लाइट एमिट होगी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस तरह से यहां से लाइट निकलते जाती है और ये पोर्शन जो है चमकने लगता है। यहां से जब इस तरह से लाइट निकलती है तो इस जगह पर हम कुछ रेजिन लगा देते हैं, प्लास्टिक, ये वैसा ही प्लास्टिक होता है जो ट्यूबलाइट पे होता है, और एलईडी जो आप देखते हैं उस एलईडी का जो प्लास्टिक होता है, तो अंदर से ये जो वेव्स आती हैं, ये वेव इससे स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करके ये चमकता है, इसमें से लाइट निकलने लगती है, सो दिस बिकम्स ए लाइट एमिटिंग डायोड। ये ऊपर की चीज हमको दिखती है, और ये कहां से निकल रही है एनर्जी, दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है, सो दिस इज वर्किंग ऑफ एलईडीज। तो अब इसको भी नोट कर लेते हैं, क्या क्या चीजें इसमें कंपलसरी हैं, तीन चीजें, ईजी शुड बी इक्वल और मोर देन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कंसंट्रेशन कैसा होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, और बाइसिंग कैसी होनी चाहिए, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, ये इसमें चाहिए, देन इट विल वर्क। तो इसकी वर्किंग जरा लिख लेते हैं, ओके,
This is now LED light emitting diode. ठीक है. So when current flow in forward bias, the recombination of whole electron become faster due to high concentration and strong electric field. Every recombination emits electromagnetic waves of frequency nu is equal to Eg upon H. ये हमने बनाया है. यहां से जब भी इलेक्ट्रॉन इधर आएगा इसमें से एनर्जी आउट होगी रिकॉम्बिनेशन में. सिंस हाई ईजी इज यूज्ड द फ्रीक्वेंसी इज विद इन रेंज ऑफ विजिबल लाइट. दिस लाइट वेव ब्राइटन अप द रेजीन कैप्सूल ऑन द टॉप विच लाइट्स अप. दिस इज LED लाइट एमिटिंग डायोड. अब लाइट एमिटिंग डायोड के दूसरे फीचर देखिए. ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हमको इतने एनर्जी गैप का मिलता है और उसको हम एलईडी में यूज करेंगे. तो ये जो मटेरियल हम यूज करेंगे ये एक दो सैंपल नोट कर लीजिए. अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग लाइट मिलेंगी. ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कैन गिव डिफरेंट कलर्स. और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गैप डिफरेंट लेने पड़ेंगे. ईजी विल बी डिफरेंट. इस तरह से अलग अलग एनर्जी गैप के सेमीकंडक्टर लेंगे तो वो हमको अलग अलग कलर देंगे. ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो आंसर है ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है. अगर ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो वो वाला सेमीकंडक्टर जो ब्लू लाइट देगा उसका एनर्जी गैप हमको ज्यादा लेना पड़ेगा. ओके. तो इसमें ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम यूज करेंगे, तो आंसर है वी विल यूज हियर गैलियम आर्सेनाइड. गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. ओके. फॉर्मूला गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. आर्सेनाइड और फॉस्फाइड के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं. अगर फॉस्फाइड X है तो AS 1 माइनस X होगा, ये 1. इस तरह से इसका रेशियो होता है. ओके. अब जैसे अलग अलग कलर्स हम लेते हैं, रेड. रेड कलर के लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड. तो आर्सेनाइड होगा 0.6, फॉस्फाइड होगा 0.4. फॉस्फाइड 0.4 लेंगे तो आर्सेनाइड 0.6 होगा और गैलियम 1 होगा. ये इनका रेशियो रहेगा. तो ये जो सेमीकंडक्टर बनेगा, दिस सेमीकंडक्टर विल गिव विच लाइट, रेड. इसी तरह से ये रेशियो अलग अलग चेंज करके हम डिफरेंट कलर्स बना सकते. ओके. इंफ्रारेड एलईडी हम कहाँ यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल्स में. और ये बड़ा सिंपल होता है. दिस इज गैलियम आर्सेनाइड ओनली, नो फॉस्फाइड. तो गैलियम आर्सेनाइड, दिस हैज गॉट एनर्जी गैप विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
ये इतना होता है. ओके अब ये इसमें एक छोटी सी चीज आप नोट कर सकते हैं. ये जो रेंज है 2.4, ये एक्चुअली हम स्टार्ट कर देते हैं 1.7 से, पर 1.7 वाले जो हैं वो हमको लाइट नहीं देते, इंफ्रारेड देते. लेकिन हमारा बर्गलर अलार्म, नोट काउंटर, ये सारे काम हमारे रिमोट कंट्रोल सब इससे होते हैं. मोस्टली हम इसको यूज करते हैं. ये किसके लिए यूज होगा? लाइट के लिए. ये जो लाइट्स यहां जल रही हैं, इस सब में ये यूज किया गया, मोर देन 2.4 और 2.4, तो उससे ये लाइट जलती है. ओके एलईडी की लाइट से हमको क्या बेनिफिट होते हैं? तो एलईडी की लाइट में बहुत सारे बेनिफिट हैं, एंड दिस इज फास्टली रिप्लेसिंग ऑल अदर लाइट्स. जो हम पुरानी लाइट यूज करते हैं बल्ब वाली, उसमें फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होके हीट होके उसमें से लाइट निकलती है, दैट इज नोन एज इनकैंडेसेंट बल्ब. इनकैंडेसेंट वो कैटेगरी थी. इसके बाद हमने यूज किया ट्यूबलाइट. ट्यूबलाइट में क्या होता था? ट्यूबलाइट में गैस को हीट करके उसमें करंट फ्लो कराते थे और उससे जो लाइट निकलती है, जो वेव्स निकलती हैं, वो ट्यूबलाइट के पाउडर में टकराकर लाइट देती थी. दिस इज मोर एफिशिएंट. इनकैंडेसेंट बहुत गर्म होता है और ये लो टेम्परेचर पर ही लाइट में एनर्जी कन्वर्ट करती थी, सो दिस वॉज मोर एफिशियंट वे. अब इसके बाद जो आया है, दैट इज एलईडी. एलईडी सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है. यहां आपने देखा हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट से हमको लाइट मिलती है. तो एलईडी के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो कि उसके क्या बेनिफिट होते हैं. तो उसके बेनिफिट नोट कर लीजिए. बेनिफिट्स, तो अभी इंडिया के करोड़ों बल्ब जो कि 100 वॉट 60 वॉट के बल्ब थे, उनको हम चेंज कर रहे हैं और एलईडीज में उसका इक्विवेलेंट होता है 20 वॉट. तो 80% ऑफ एनर्जी ऑफ द लाइट इज सेव्ड. इतनी एनर्जी हम सेव करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि पहले जो 10 पावर हाउस मिलकर लाइटिंग देते थे पूरी कंट्री को, अब उसकी जगह सिर्फ 2 पावर हाउस यूज होंगे. 8 पावर हाउस दूसरा काम कर सकते हैं. इट इज सच ए सेविंग ऑफ एनर्जी. इसलिए इंडिया में अभी हम लोग एक क्रांति जो ला रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने शुरू की है, कि जितने हमारे लाइट बल्ब्स हैं सबको हमको एलईडी में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेस पावर. ठीक है, और दूसरा फीचर इसका नोट करिए. द अदर फीचर इज दैट इट इज फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम. फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम. स्टार्ट करेंगे
तुरंत चालू हो जाएगा। ओके, नॉट विद इन ए फ्रैक्शन, इमीडिएट चालू हो जाएगा और उतना कम टाइम कि आप उसको नोट भी नहीं कर सकते। थर्ड इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ वेरी स्मॉल, हंड्रेड टू 500 एंगस्ट्रॉम। इतनी कम स्मॉल बैंडविड्थ में कलर के कॉम्बिनेशन नहीं होते, तो वी कैन टेक इट एज मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक, और ये वाली लाइट जब ऐसे जाएगी तो अपने आप ऐसा फैलती नहीं है, स्ट्रेट जाएगी और टकराकर सीधी वापस भी आ जाएगी। सो दिस इज द बेनिफिट, ये मोनोक्रोमेटिक होगी। अगला यूज इसका देखिए, नंबर 4, इसकी लाइफ बहुत होती है, लॉन्ग लाइफ एंड रगेड। ये सब एलईडी बल्ब जो आजकल हम बाजार में खरीदते हैं, इसकी बड़ी बड़ी वारंटी मिलती है, 2 साल 3 साल 5 साल। इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भले खराब हो जाएं, जो कि रेक्टिफायर्स होते हैं, क्योंकि ये तो डीसी पर चलेंगे, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट पर डीसी पर, और हमारे घर में 220 वोल्ट एसी है, तो हर एक के साथ में रेक्टिफायर्स लगे, वो रेक्टिफायर भले खराब होते रहते लेकिन एलईडी लाइट खराब नहीं होती। तो एलईडी की लाइफ बहुत लंबी होती है और ये रगेड होते हैं, रगेड मतलब वेरी स्ट्रांग, उसको आप रगड़ सकते हैं, गिर जाएंगे, कुछ उलट पलट जाएंगे, टूटेंगे नहीं, खराब नहीं होते। तो इसमें फ्यूज होने वाला प्रॉब्लम नहीं कि बल्ब गिरा और झटके से उसका फिलामेंट टूट गया, वो फ्यूज हो जाता है, ट्यूबलाइट खराब हो जाती है। तो ये बहुत उस तरह से रगेड होते हैं, एंड इट दे कैन बियर वियर एंड टियर। और पांचवी चीज लास्ट, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब हम लाइट सिग्नल भेजते हैं, कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे, सिग्नल में हमको 1 सेकंड में 1000 बार ऑन ऑफ करना है, 1 सेकंड में 1000 बार ऑन ऑफ। सामने एक फोटोडायोड है, वो काउंट कर रहा है कि इसमें से 1000 बार लाइट आई है या 900 बार लाइट आई है। तो उसको 900 बार जलना भी तो चाहिए और 900 बार बंद होना चाहिए, तब तो ये काउंट करेगा कंप्यूटर। और हम कंप्यूटर को काउंट कराना चाहते हैं सिग्नल, कैसे सिग्नल, 01010011, यानी लाइट आई लाइट नहीं आई, लाइट आई लाइट नहीं आई, और 1 सेकंड में 1 लाख बार आ जाने चाहिए। तो बल्ब को अब हम ऑन ऑफ करते हैं, तो जो हमारा ऑर्डिनरी बल्ब है उसको हम 50 बार ऑन ऑफ करते हैं तो वो ऑफ होता नहीं है। एसी में 50 टाइम्स साइकिल चलाते हैं, ऑन और ऑफ होता है, हमको ऑफ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो तो ठंडा ही नहीं होता, उसकी लाइट बंद नहीं होती, फिर से लाइट आ जाती है, तो हमेशा कंटिन्यूस जलता है। एलईडी में भी इतनी जितनी बार हम उसको ऑन ऑफ करेंगे, जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार वो बंद होगा, और एक्चुअली बंद होगा और चालू होगा। तो ये इसकी कैपेसिटी होती है कि ऑन ऑफ आप जितनी भी बार करिए, सामने जो सेंसर लगा है फोटोडायोड, वो आपको बता देगा कि 1 सेकंड में 1000 बार ये ऑन ऑफ हुआ, उसका काउंटर दिखाएगा, तो 1000 बार लाइट देगा और 1000 बार ऑफ होगा। दिस इज नोन एज फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेसिटी, जो कि बाकी बल्ब्स में, ट्यूबलाइट्स में नहीं होती है। ठीक है, इस एलईडी को आप देख रहे हैं कंटिन्यूस जल रही है, क्यों? क्योंकि इसको हमने डीसी सप्लाई कर रहे हैं, और वो डीसी कैसी है? कंटिन्यूस, ऑफ नहीं होती है, इसलिए ये भी ऑफ नहीं होती। दूसरा, हमारी आंखों में रिटेंशन होता है, लाइट का रिटेंशन 0.1 सेकंड तक लाइट जाकर फिर आ जाए तो हमको पता ही नहीं लगता कि बीच में लाइट गई थी,
So because of that retention, we experience a continuous light. वैसा नहीं होगा तो हमारी लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. That retention is required. That is beyond the point. मशीनों में जब हम सिग्नल भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बड़ी जल्दी पढ़ ले, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. जितना जल्दी पढ़ेगा, जितना हाई फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसर होगा, उतनी हमारी प्रोसेस फास्ट होगी. और ये सिग्नल किससे जाएगा? एलईडी से जाएगा. तो एलईडी को 1 सेकंड में 1,00,000 बार ऑन ऑफ होना है, तो होता है, ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है, और सामने फोटोडायोड सेंस भी कर लेता है उसको कि ये इतनी बार ऑन हुआ, इतनी बार ऑफ हुआ, और वो उसको ठीक रिकॉर्ड भी कर लेता है. तभी हमारे सारी मशीनें चलती हैं, तभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स चलता है. तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. तो एलईडी के इतने सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं. सो दिस इज अवर मशीन और लाइट ऑफ द फ्यूचर. तो इससे हमारा पूरा फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स का बनने वाला है, लाइटिंग का फ्यूचर बनने वाला है, पावर एनर्जी यूज होने वाली है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. सो ये दो डिवाइसेस हमने अभी स्टडी की. वन इज सेंसिंग ऑफ द फोटो, सेंसिंग ऑफ द लाइट, और दूसरी कौन सी है जो लाइट को निकालती. तो हम अपनी डिवाइस में एक तरफ एलईडी लगाएंगे जो लाइट निकालेगा, और दूसरी तरफ एक फोटोडायोड लगाएंगे जो लाइट को सेंस करेगा. बीच में हम बर्गलर अलार्म बना लें, बीच में कंप्यूटर लगा लें, कोई भी चीज़ बीच में हम इसको लगा सकते हैं. तो दीज आर द टू डिवाइसेस, और दोनों में हमने किसको यूज़ किया? डायोड को. एक में रिवर्स बायस में और एक में फॉरवर्ड बायस में. पहले में क्या होता है? पहले में हम लाइट देते हैं और वो उसको होल और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करता है, होल और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करता है. लेता क्या है? लाइट. और लाइट अंदर आई और ये दोनों सेपरेट हो गए. एलईडी में हम क्या करते हैं? ये दोनों सेपरेट को जोड़ देते हैं और लाइट वापस ले लेते हैं. प्रोसेस समझ आ रही है? बिल्कुल सेम प्रोसेस है. एक ही डायरेक्शन है, लाइट अंदर आएगी, इलेक्ट्रॉन होल सेपरेट. दूसरे में हमने जबरदस्ती करंट भेज के इलेक्ट्रॉन होल को मिलाया, लाइट बाहर. दैट इज एलईडी. ठीक है. सो वी क्लोज इट टुडे.